नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्लॉग को। आज हम आ गए हैं दिल्ली के एक ऐसे बोटैनिकल पार्क में। पार्क क्या है, एक लोकेशन है, ये एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए गए हैं। तो संदीप बाबू बताएंगे आपको, बताइए बाबू। ये है अंजीर का पेड़ है, ये देखिए आप कितना प्यारा अंजीर का पेड़ है, फल भी आ रखे हैं। इधर आइए आप, ये देखिए बम्बू, देखिए ये किसका है, बांस है, बांस। हाँ, ये बैम्बू कहते हैं भाई इसे, बैम्बू। सबसे बढ़िया है ये रुद्राक्ष का पेड़, ये आप देखिए रुद्राक्ष का पेड़ है, ये जल्दी नहीं देखने को मिलेगा दिल्ली में आपको। तो ये पेड़ जो है, इस पे फल कब आएंगे? फल आएंगे, समय लगेगा अभी थोड़ा, अभी लगा ही है, जल्द ही लगा है और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इसमें। मिट्टी का विशेष ध्यान दिया गया है इसका। ये है नागमणी पेड़, नागमणी का भी कह सकते हैं, और ये है वैसे बरगद का। ये जो बरगद का पेड़ है, ये आपको दोनाकार ऐसा दिखेगा नहीं जल्दी। दोनाकार का क्या मतलब? दोनाकार का देखिए, जो भी आपने शेप में देखोगे ऐसा रहता है पेड़, पत्ता इस तरीके रहता है। हाँ। जो ये है इसका थोड़ा हल्का, देखिए ये दोनाकार का, ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। एक तो ये नाग वाली शेप में भी है, हाँ, तो इसे नागफनी भी कह सकते हैं, और इसे वैसे बरगद का पेड़ है, ये ऐसा देखने में बहुत कम मिलेगा। ये चिड़ियों का घोंसला सा बना रखा है, जो कीट यहाँ पे छोटे से जो है कीड़े मकोड़े सब इसी में ही रहते हैं, रहते हैं जी, मतलब ये इंसेक्ट हाउस कह सकते हैं। हाँ, इंसेक्ट हाउस है ये, और बहुत प्यारा है, कितना अच्छे से डिजाइन किया, बड़ी मेहनत लगी है इसे करने में। और बताओ, और ये जो अमरूद का पेड़ है, क्या कोई खास वैरायटी का है? इलाहाबादी अमरूद है, बलिया वाला अमरूद है, कौन सा अमरूद है ये? नॉर्मल अमरूद है। इलाहाबादी अमरूद भी आते हैं भाई, जैसे अंदर से लाल निकल जाता है, कौन सा अमरूद होता है वो? इलाहाबादी होता है ना, अनार का भी फायदा, अनार का है ये, क्या चलो आजा, अनार और अनार कौन सा? वो अभी आए नहीं है, बारिश में आते हैं ना। ये वाला पेड़ जो है अनार का है, ये वाला ना, ये अनार का पेड़ है भाई। एक कहावत कही गई है, हाँ, एक अनार सौ बीमार, मगर ना ही इधर अनार है ना ही कोई बीमार है, क्योंकि यहाँ अनार नहीं है। ये है श्यामा तुलसी, जो ये श्यामा तुलसी बहुत ही कम देखने को मिलेगी, देखिए एकदम डार्क कलर में है। और ये है रामा तुलसी, खासियत क्या है? खासियत ये है, एक रामा एक श्यामा, और ये दिसंबर के सीजन में, और दिसंबर जा चुका है, जनवरी में आपको इतनी हरी तुलसी दिख नहीं सकती है कहीं भी, किसी के घर में भी होगी तो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है, कितनी इसको कैरी करना पड़ता है, ये आप समझिए बात को।